हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है कमीशनिंग ऑफ नाइकेड बैटरीज, निकल कैडमियम बैटरीज। इसकी पहले वीडियो में हम लोग निकल कैडमियम बैटरीज का बेसिक्स का बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोग इंस्टॉलेशन का बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद आज के वीडियो में हम लोग कमीशनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। निकल कैडमियम बैटरीज को कैसे कमीशन करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में आज के टॉपिक में इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे हम लोग पहले भी हम लोग डिस्कस किया फ्रेंड्स, जो आप कमीशन करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले आपका जो बैटरी का कंडीशन है, आपका तीन प्रकार का हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको जैसा आप इसका ऑर्डर देते हैं बैटरी को, इसकी अकॉर्डिंगली कुछ कुछ जगह जो ऑर्डर करते हैं, बेसिकली ऑर्डर क्या बेसिस में करते हैं कंडीशन ऑफ सेल का, आपका स्टोरेज कितना दिन तक होने का चांस है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो बैटरी बैंक खरीद रहे हैं, इसको आप तुरंत आपको लगाना चाहते हैं, तब आपको फील्ड एंड चार्जिंग कंडीशन में आप इसको बैटरी को खरीद सकते हैं। मतलब ये आपको डायरेक्ट इसका जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है या ओईएम साइट से आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइट फील्ड कंडीशन में और वहीं पर ही चार्ज्ड कंडीशन में आएगा। इसको आप डायरेक्टली, आप बहुत जल्दी आप इसको लगा के कमीशनिंग बहुत ही फास्टली जल्दी आपको कमीशन हो जाएगा इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है, आपको 3 to 6 months का अंदर आपको जैसे बैटरी आपको डिस्पैच किया या जैसे लास्ट टाइम चार्ज करके, फिल करके चार्ज करके आपको भेजा था वहाँ फैक्ट्री से, वहाँ से आपको 3 से 6 महीने का अंदर इसको आपको सर्विस में देना है। ठीक है, अगर सर्विस में नहीं ले गए तो इसमें आपको बहुत लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा, डीप डिस्चार्ज करके वो सब आपको लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद भी आपको जो बैटरी का जो कैपेसिटी है, इसका जो एज कैपेसिटी है, जैसे बैटरी का डिस्क्राइब होते हैं, जैसा आपको फॉर एग्जाम्पल 100 AH का जो C5 का बैटरी है, तो 20% इसका एज कैप, फॉर एग्जाम्पल 100 AH का बैटरी है C5 का, इसका 20% करंट, मतलब 20 एम्पियर का करंट में आपको 5 घंटे का बैकअप मिनिमम देना चाहिए वो बैटरी। ठीक है, उसको बोलते हैं बैटरी का परफॉर्मेंस। जो C5 का बैटरी है तो 20% इसका एज कैपेसिटी पे, मतलब 20% एज कैपेसिटी का इसका डिस्चार्ज करंट पे, मतलब 100 AH का बैटरी में 20 एम्पियर करंट पे अगर वो डिस्चार्ज कर रहे थे, लोड में करंट ले रहे, तो बैटरी वो आपको मिनिमम 5 घंटे तक इसका सेल वोल्टेज है, कोई भी सेल वोल्टेज है, इसका एंड सेल वोल्टेज जो ECV बोलते हैं, जनरली 1 वोल्ट या 1.1 वोल्ट रहते हैं, इससे नीचे आपको कोई भी सेल का वोल्टेज है गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब मिनिमम 5 आवर्स बैकअप देना ही देना है 20% को। इसको हम लोग बोलते हैं C5, मतलब 5 आवर्स का बैकअप के लिए वो डिजाइंड है। वो आपको कब अचीव होगा फ्रेंड्स, जब आपको प्रॉपरली इसको कमीशन करोगी बैटरी बैंक को। अगर आप बैटरी बैंक को प्रॉपरली आप कमीशन नहीं करोगी, तब आपको वो बैटरी का जो बैकअप है, इसका जो परफॉर्मेंस है, वो आपको मिलेगा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बैटरी बैकअप का या बैटरी परफॉर्मेंस सही से अचीव करना है, तब आपको बैटरी का कमीशनिंग आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। ठीक है, वो कमीशनिंग प्रॉपरली करना है तो जैसे आपको बैटरी जो फैक्ट्री से आपको डिस्पैच करेगा, या फैक्ट्री में जब आपको लॉस्टली फिल करके इसके बाद 200 AH पे जो बैटरी आपको फैक्ट्री पे चार्ज करके रखा, उस डेट से आपको 3 से 6 महीने के अंदर इसको सर्विस में लेना ही लेना है आपको। ठीक है, उस लेकिन इसमें आपको बहुत जल्दी आपको इसका, आगे हम लोग इसका कमीशनिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे, वो आपको बहुत जल्दी आप यहाँ साइट पे कमीशन कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन एक ही डिसएडवांटेज, इसको आप ज़्यादा दिन स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप इसको कमीशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए जहाँ आपको रेडीली अवेलेबल है, आप आने के बाद तुरंत कमीशन कर सकते हैं, तो और जहाँ आपको बैटरी बैंक रिप्लेस करना बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ क्रिटिकल इक्विपमेंट है, आप इसको ज़्यादा देर आपको बिना बैटरी का आउट नहीं कर सकते उस इक्विपमेंट को। ठीक है, मतलब जिस यूनिट है, बहुत क्रिटिकल यूनिट है, उसमें आपको बैटरी बैकअप पे थोड़ी देर के लिए आउट कर सकते हैं, तो उसमें आपको इस कंडीशन पे अगर बैटरी खरीद है, तो वो बहुत जल्दी आपको कमीशनिंग कर सकते हैं इसको।
बहुत जल्दी कमीशनिंग करके इसको सर्विस में ले सकते हैं। तो इसीलिए आपको जहाँ आपको रेडीली अवेलेबल है साइट पे, आप इसको बैटरी पहुँचने के बाद तुरंत कमीशन कर सकते हैं, और वहाँ आप इसको खरीद सकते हैं फील्ड और चार्ज कंडीशन पे। या दूसरा कंडीशन है, जहाँ जिस एप्लीकेशन पे आप बैटरी बैंक खरीद रहे हैं या जिसमें ऑलरेडी पुराना बैटरी बैंक है, इसका सर्विस हो गया, टाइम 15 से 20 साल का ऊपर हो गया है, और इसको आपको चेंज करना चाहते हैं, अगर वो सर्विस बहुत क्रिटिकल है, इसके ज़्यादा देर तक इसका बैटरी बैकअप को आप आउट नहीं कर सकते हैं, तब आपको इस कंडीशन पे बैटरी खरीदने से आपको क्या होगा, बहुत जल्दी आपको बैटरी बैंक को निकाल के आप इस बैटरी बैंक को लगा के सर्विस में बहुत जल्दी आप ले सकते हैं सर्विस में, ठीक है। अदरवाइज इसको आप प्रेफर मत कर दीजिए, फील्ड एंड चार्जर कंडीशन में आपको बैटरी को खरीदना ही नहीं है कभी भी। इसके बाद दूसरा कंडीशन है, आपको इलेक्ट्रोलाइट फिल करके रखेगा लेकिन बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में भेजेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरर भी चाहते हैं बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में भेजने के लिए, क्योंकि बैटरी चार्ज्ड कंडीशन में आपको ट्रांसपोर्टेशन में या नहीं है तो इसको हैंडलिंग का टाइम पे प्रिकॉशंस लेना ही पड़ेगा, और इसको कमीशनिंग का टाइम पे भी जब बैटरी इसको आपस में कनेक्ट करते हैं तब भी ये चार्ज्ड कंडीशन है, सो आपको प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी लेना पड़ेगा, आपको एक्सीडेंट्स होने का चांसेस भी ज़्यादा है। इसीलिए मैन्युफैक्चरर भी चाहते हैं बहुत बार आपको से, अदरवाइज आपको जरूरी नहीं है, आपको बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन नहीं है, आपको जनरली आपको जो कस्टमर भी चाहता है डिस्चार्ज कंडीशन में, क्योंकि इसको कमीशन करना टाइम तो लगेगा इसमें, इससे इसमें आपको कमीशन जल्दी हो जाएगा, इसमें कमीशन लेट होगा, लेकिन आपको जो कमीशनिंग का टाइम पे सेफ्टी ज़्यादा रहेगा इसमें, क्योंकि आप बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में पूरा डेड कंडीशन में उसको आप कमीशन कर रहे हैं, आप आराम से आपको सेफली आप इसको कमीशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको आपस में इंटरसेल कनेक्शन करना है, केबल्स कनेक्ट करना है, आपको बस बार कनेक्ट करना है, बैटरी को पूरा कहीं पे हाथ लगाना है, जो कुछ भी आप कर सकते हैं यहाँ फील्ड एंड डिस्चार्ज कंडीशन पे। तो इसीलिए जहाँ आपको ये कंडीशन नहीं चाहिए वहाँ आपको इस कंडीशन का आप प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ आपको बैटरी का आने के बाद आपको लगाने के में आपको टाइम लग सकते हैं, या नहीं तो साइट आपका अवेलेबल नहीं है, या नहीं तो आपको जो बैटरी रूम, जैसा आपको पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था इंस्टॉलेशन के लिए जो सेटअप पे इसका बैटरी रूम है या इसका रूम है या इसका सिविल वर्क है कम्प्लीट ही नहीं हुआ, उसको खोने के लिए टाइम लगेगा, ऐसा कंडीशन पे मतलब नया प्रोजेक्ट है, इनडायरेक्टली बोल रहे तो जहाँ आपको नया प्रोजेक्ट है स्क्रैप से आपको बना रहे बिल्डिंग, वहाँ आप हमेशा ट्राई कर दीजिए बैटरी को ड्राई एंड डिस्चार्ज कंडीशन, इसमें आपको बैटरी कुछ भी नहीं रहेगा, बैटरी में ना इलेक्ट्रोलाइट रहेगा और बैटरी आपको चार्ज कंडीशन में तो रहेगा ही नहीं है, मतलब डेड कंडीशन में रहेगा, उसको आप बैटरी को इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें आपको बैटरी चार्ज नहीं है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट है, आपको बैटरी गिरेगा कहीं पे हैंडलिंग का टाइम पे, वो सब में आपको रिस्क है, लेकिन ड्राई एंड डिस्चार्ज कंडीशन पे आपको कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं है, ठीक है। तो इसको कमीशन करना और आसान है, लेकिन बाद में एक रिस्क है तो आपको प्रिकॉशंस लेकर आपको इलेक्ट्रोलाइट तो भरना ही पड़ेगा, लेकिन आपको इसको हैंडल करना बहुत आसान है ड्राई एंड डिस्चार्ज कंडीशन में, फिर कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी फिल करके रखा, तो उसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट फिल करके रखा है तो एक एक बैटरी का वजन भी ज़्यादा होते हैं, इसमें आपको बैटरी लाइट एंड हल्का है, इसको फटाफट आप रैक बना के इलेक्ट्रो सब सेल्स को रेडी करके आप फटाफट इसको कनेक्शन भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। लेकिन इसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट प्रिपेयर करके, या नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट है आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके जो भेजा था उसको, या नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ साइट पे प्रिपेयर करके इसको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यही से आपको तीन कंडीशन में डिपेंड्स, आपको एक एक साइट के लिए, एक एक एप्लीकेशन के लिए, एक एक टाइम के लिए, ये आपको डिपेंड्स है आपका जो फुलफिलमेंट है इसके हिसाब से, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस कंडीशन पे आप बैटरी को प्रोक्योरमेंट कर दीजिए, ठीक है। अभी हम लोग देख लेंगे, जैसे हम लोग लास्ट का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे आपको इंस्टॉलेशन में क्या है, जैसे हम लोग पहले बात किया था बैटरी को आपको सिंगल स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप या फोर स्टेप में, और सिंगल टायर, टू टायर, अप टू थ्री टायर तक के जनरली बैटरी को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। जैसे यहाँ आप देखेगा तो टू स्टेप पे, स्टेप वन, स्टेप टू और टू टायर है, लोअर टायर और अपर टायर, ठीक है। ऐसे यहाँ भी देख लीजिए लोअर टायर अपर टायर, ये आपको एज थोड़ा ज़्यादा रेटिंग का है, ये कम रेटिंग का थोड़ा,
ठीक है, ये 2 टायर का बैटरी है इस, और ये आप देख लीजिए 4 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और सिंगल टायर। ठीक है, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी बताया था, इंस्टॉलेशन में सबसे पहले आप रैक बनाना है, रैक बनाने के बाद एक एक सेल्स को रख के इसको आपस में ऐसे आप सेट कर दीजिए, इसके बाद इसका बस बर्स को जोड़ना है सीरीज में। आपको क्रॉसवाइज अरेंजमेंट या नहीं है तो नॉर्मल अरेंजमेंट है, जो भी आपको इसका ड्रॉइंग में दिया गया था इसके अकॉर्डिंगली इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करना है। इसको कनेक्शन करके फाइनली इसका बैटरी का 2 टर्मिनल, मेन पॉजिटिव मेन नेगेटिव, एक टर्मिनल बॉक्स का या टर्मिनल ब्लॉक का अरेंजमेंट जहाँ है वहाँ तक आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ तक लाया गया तो आपको इंस्टॉलेशन कमीशन, इंस्टॉलेशन हो गया बैटरी का, इसको सर्विस में लेने के लिए आपको कमीशन करना पड़ेगा, वो प्रोसीजर अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए ये आपको 3 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और 2 टायर का है। ठीक है, ठीक है, 3 स्टेप 2 टायर का है। ठीक है, इसके बाद जैसा हम लोग देख लेंगे जो ये आपको बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी में आपको जैसे बताया था आपको 3 कंडीशन में आ सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेंगे जिस बैटरी को आप ऑर्डर किया था उसको इलेक्ट्रेट ऑलरेडी फिल्ड है और ये पूरा चार्ज्ड कंडीशन में, इसका जो फैक्ट्री साइट में ही है जहाँ आप, जहाँ से आप खरीद रहे हैं वहीं पे ही इसको इलेक्ट्रोलाइट फिल करके और फुल चार्ज्ड कंडीशन में अगर वो भेजा, इसको कमीशन कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बताया था ऐसे कंडीशन पे जिस बैटरी में आपको इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड है और फुल्ली चार्ज्ड कंडीशन है उसको आपको 3 टू 6 मंथ्स का अंदर आपको कमीशन करना ही करना है उसको। ठीक है, उसको करना ही करना है। ओके, इसके बाद आपको जो बैटरी को 3 टू 6 मंथ्स का अंदर करना है ऑलरेडी चार्ज्ड कंडीशन पे है। ठीक है, ऑलरेडी चार्ज्ड कंडीशन है तो सबसे पहले बैटरी को आप डिस्चार्ज करना पड़ेगा। डिस्चार्ज भी आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको 2 लेवल पे करना पड़ेगा। 2 लेवल पे कैसे है, सबसे फर्स्ट आपको बैटरी का जो नॉर्मल है, इसका बैटरी का जो भी एज कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल ये 100 एएच का बैटरी है, तब आपको इसका 20% एएच पे, मतलब आपको 20 एम्पीयर, 100% एएच का 20% कितना है, 20 एम्पीयर है। उस 20 एम्पीयर पे इसको 20% एएच, ये 20% एएच में, मतलब 20 एम्पीयर पे इसको, इसका बैटरी सेल वोल्टेज इंडिविजुअली जो सेल वोल्टेज इसका 1 वोल्ट आने तक इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, ये बैटरी बैंक को आप 20% एएच को, 20% C5 बैटरी है तो इसका 100 एएच का बैटरी है तो 20 एम्पीयर पे आप जब तक इसका सेल वोल्टेज है 1 वोल्ट आएगा तब तक इसको डिस्चार्ज कर दीजिए। ठीक है, ये आपको स्टेप 1 है, इसको नॉर्मल डिस्चार्ज है, इसके बाद इसको डीप डिस्चार्ज करना पड़ेगा। डीप डिस्चार्ज क्या है, आपको बैटरी का इसका वोल्टेज है 0.6 वोल्ट पर सेल, इसका इंडिविजुअल सेल वोल्टेज आपको 0.6 वोल्ट पर सेल तक लेकर जाना है, उसमें आपको 10% एएच पे। ठीक है, सबसे पहले आपको बैटरी ऑलरेडी चार्ज कंडीशन में इसको 20% एएच का डिस्चार्ज करंट पे आपको बैटरी, आपको जो लोड करंट है इसका डिस्चार्ज करंट है आप 20% एएच पे 1 वोल्ट पर सेल तक आप लेकर आ जाइए। इसके बाद डीप डिस्चार्ज के लिए आप 10% एएच पे, 10% एएच पे आपको 0.6 वोल्ट पर सेल वोल्टेज जब तक आएगा तब तक आप इसको डिस्चार्ज कर दीजिए। जैसे आपको 0.6 वोल्ट पर सेल आ गया, ठीक है, इसके बाद इसको छोड़ दीजिए। हमेशा एक थंब रूल आप याद कर दीजिए फ्रेंड्स, बैटरी कभी भी आपको डीप डिस्चार्ज करते हैं बैटरी को, ठीक है, कभी भी डीप डिस्चार्ज करते हैं तो बैटरी को, वो बैटरी क्या होते हैं, गर्म होते हैं। डीप डिस्चार्ज में गर्म होते हैं तो इसका जब तक कूल नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा, तब तक इसको आप वेट करना पड़ेगा, इसको आप रिटेंशन पीरियड बोलते हैं। वही आपको जनरली आप डीप डिस्चार्ज कर दिया तो बैटरी को आपको 12 घंटे आपको रेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप डीप डिस्चार्ज कर दिया, बैटरी का टर्मिनल और हर चीज़ आपको गर्म है, उसको आप 12 घंटे ऐसे ही छोड़ दीजिए। 12 घंटे के बाद जब सेटल हो जाएगा बैटरी, ठीक है, बस नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अभी आपको बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड कंडीशन पे है बैटरी, राइट, इसको अभी आप क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। वो चार्ज कैसे करना पड़ेगा, इसका एएच कैपेसिटी जितना है उसका 200% एएच कैपेसिटी पे चार्ज करना है। 200% एएच मतलब फ्रेंड्स, इसका C5 का बैटरी है, इसका 100 एएच बैटरी है तो उसका 20%, मतलब 20 एम्पीयर इसका चार्जिंग करंट रेट पे है। इसका C5 का बैटरी है, अगर 20 एम्पीयर पे
5 घंटे चार्ज करना चाहिए नॉर्मल चार्जिंग में, ठीक है। देख वो बोलते हैं 100% एएच चार्जिंग है, लेकिन आपको 20 एम्पीयर पे 5 घंटे करेगा तो 20 × 5 100 एएच हो गया। लेकिन आपको फर्स्ट चार्जिंग है इसीलिए आपको 200% एएच है, मतलब आपको 20 एम्पीयर पे इसको 10 घंटे तक इसको चार्ज करना है। इसको हम लोग बोलते हैं 200% एएच चार्जिंग कैपेसिटी है इसको, ठीक है। 200% तक इसको चार्ज करना है। लेकिन हमेशा याद रख दीजिए, जब आपको चार्ज करते हैं, ठीक है, इसका जो जो भी आप बैटरी चार्जर से चार्ज कर रहे हैं इसको, उस बैटरी चार्जर का रिपल करंट है आपको 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिपल, इसका जो रिपल है मतलब आपको एसी करंट है, जो डीसी करंट में जो एसी होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, वो आपको 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है, आपको बैटरी चार्जर में इसको ऑलरेडी ऐसे सेट कर दीजिए, इसको 200% तक लेकर जाना है, और वो भी आपको फर्स्ट चार्जिंग आपको हमेशा कॉन्स्टेंट करंट मोड में, मतलब आपको जैसे बताएं, आपको 100 AH का बैटरी है तो इसका 20% है 20 एम्पीयर पे इसको 10 घंटे तक 20 एम्पीयर पे इसको चार्ज करना है। इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट करंट चार्जिंग है, ठीक है। उसको हमेशा बैटरी बैंक को कमीशनिंग का टाइम पे इसको कॉन्स्टेंट करंट चार्जिंग मोड में ही इसको चार्ज करना है, ठीक है। एक बार कमीशनिंग हो गया तब इसको बैटरी को जैसे ही लोड और बैटरी चार्जर का साथ दे देगा तो ये कॉन्स्टेंट वोल्टेज में ही आपको चार्ज होते हैं। उसको हम बोलते हैं फ्लोट चार्जिंग बोलते हैं, कॉन्स्टेंट वोल्टेज में चार्ज होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कमीशनिंग में हमेशा कांस्टेंट करंट है। इसका जो 20 C5 का बैटरी है तो 20% इसका एएच कैपेसिटी पे उसी पे आपको कांस्टेंट करंट में 200% एएच तक आप इसको चार्ज करना है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको बैटरी चार्जर का कंस्ट्रेंट है, ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल ये बैटरी बैंक है आपको 220 वोल्ट का, या नहीं तो 400 वोल्ट का बैटरी बैंक है, ठीक है, लेकिन आपका बैटरी चार्जर है उतना का है ही नहीं है, तो आप इसको बैटरी बैंक को स्प्लिट कर दीजिए, दो दो पार्ट में या 3 पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए, और एक एक पार्ट को आप कमीशन कर दीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको बैटरी बैंक पूरा एक साथ आपको कमीशन करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया था फ्रेंड्स, बैटरी बैंक ऐसे है तो आपको ये पार्ट को एक बार इसका और इसका जो कनेक्शन किया था उस कनेक्शन को आप निकाल दीजिए, और इतना पार्ट को एक बार आप कमीशन कर दीजिए, इसके बाद इतना पार्ट को आप एक बार कमीशन कर दीजिए, ठीक है। या नहीं तो दो अलग अलग चार्जर ले लीजिए, इस चार्जर को इससे आप कमीशन कर दीजिए, इससे आप दूसरे चार्जर से आप इसको कमीशन कर दीजिए, ठीक है। जहाँ आपको बैटरी का चार्जर का आपको स्पेसिफिकेशन उतना नहीं है, तब आपको 2 ऑफ में या 3 ऑफ में आप इंडिविजुअली आप कमीशन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, सो इसीलिए आपको जैसे ही आप 12 घंटे, मतलब आपको डीप डिस्चार्ज कर दिया, इसके बाद 12 घंटे रेस्ट दिया, इसके बाद आप 200% एएच कैपेसिटी पे चार्ज करना है, मतलब आपको क्या करना है, इसका 0.2 C5, C5 का रेटिंग है तो इसका 20% करंट पे आप 10 घंटे, मतलब 5 घंटे में इसका क्या हो गया, 100% एएच हो गया, लेकिन आपको 200% एएच तक चार्ज करना है, फुल्ली चार्ज करना है इसको, फर्स्ट चार्जिंग बोलते हैं इसको, उसमें आप 200% एएच तक चार्ज करना है तो उसको आप 10 घंटे कांस्टेंट करंट मोड में 20% इसका जो एएच कैपेसिटी है उतना 20% एएच का इस उस करंट पे आप 10 घंटे तक इसको चार्ज करना है, ठीक है। एक बार इसको 10 घंटे तक इसका चार्जिंग हो गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फुल्ली चार्ज। एक बार बैटरी हो गया 10 घंटे के बाद आपको क्या करना है, इस बैटरी को आपको चार्जिंग में ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता नहीं है बैटरी के, इसीलिए आप इसको 2 घंटे आप मिनिमम रेस्ट कर दीजिए आप, ठीक है। 1 to 2 आवर्स आपको चार्ज में आप रेस्ट दे दीजिए, ठीक है। रेस्ट देने के बाद इसमें आपको दो कंडीशन है। जनरली आपका जो बैटरी का मैन्युफैक्चरर जो होता है वो आपको जनरली बोलते हैं, एक बार आप इसको 200% एएच पे आप चार्ज कर दिया तो उसको आप डायरेक्टली सर्विस में ले सकते हैं, मतलब फ्लोट चार्जिंग में आप इसको ले सकते हैं, वो जनरली मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। लेकिन आपको अगर इसका वारंटी चेक करना है, इसका परफॉर्मेंस यहीं पर ही चेक करना है, मतलब इसका बैटरी का परफॉर्मेंस या इसका कैपेसिटी उतना, जो इसका एएच कैपेसिटी जितना है, फॉर एग्जाम्पल 100 AH का बैटरी है तो 100 AH पूरा ये आपको दे रहे ही नहीं दे रहे बैकअप, 100 AH बैटरी बैकअप मतलब इसका 100 AH बैटरी में आप अगर 20 एम्पीयर दे रहे हैं तो ये 5 घंटे मिनिमम देना ही देना है इसका बैकअप,
मतलब 5 घंटे तक इसका कोई भी सेल वोल्टेज आपको, जो इसका ईसीवी वोल्टेज बोलते हैं, एंड सेल वोल्टेज है 1 वोल्ट या 1.1 वोल्ट, जैसे इस बैटरी में आपको 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट आने तक, 1 वोल्ट किसी की सेल में भी आपको 1 वोल्ट आना ही नहीं चाहिए 5 घंटे तक, ठीक है। 5 घंटे के बाद ही, 5 घंटे के अंदर आपको आना ही नहीं चाहिए किसी के। इसको हम बोलते हैं बैटरी का परफॉर्मेंस गुड है, मतलब आपको बैटरी इसका बैकअप देगा ही है, इसका ओके है बैटरी बैकअप, ठीक है। अगर इसको चेक करना है तो एक बार 200% के बाद इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बैटरी का मैन्युफैक्चरर आप बोलते हैं जनरली, इसको यहाँ से आप इसको डायरेक्ट आपको सर्विस में लेके इसका फ्लोर चार्ज कंडीशन में इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे छोड़ सकते हैं। तो इसको छोड़ना है तो सबसे पहले आपको जैसे ही 2 घंटे रेस्ट दे दिया, इसके बाद आप क्या करना है, बैटरीज में, हर एक बैटरी में, हर एक सेल में आप इसके इलेक्ट्रोलाइट का लेवल देख लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का लेवल किसी में अगर कम है, ठीक है, तब आप इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड कर दीजिए। जिसमें कम है, मतलब जिसमें आपको थोड़ा सा, आपको इलेक्ट्रोलाइट लेवल कितना रखना है फ्रेंड्स, आपको मैक्सिमम लेवल, जो मिनिमम मैक्सिमम का जो इंडिकेशन दिखा रहा है, जैसे यहाँ मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, वो मैक्सिमम से आपको 5 या 10 mm के नीचे रखना है इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ठीक है। जिसमें आपको बहुत कम है, मिनिमम का 5 है, तो उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए, जिसमें जिसमें कम है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन आपको एक बार 200% हो गया तो मिनिमम 2 घंटे तो इसको रेस्ट देना पड़ेगा, इसके बाद ही आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए। अगर तुरंत आप जाकर देखेगा तो चार्जिंग के बाद आपको अलग होगा इलेक्ट्रोलाइट लेवल, सब में आपको थोड़ा सा डिफरेंस हो सकते हैं। थोड़ा सा सेटल होने के लिए आपको टाइम दे दीजिए 2 घंटे, 2 घंटे के बाद आपको इलेक्ट्रोलाइट स्टेबल हो जाएगा, तब आप देख लीजिए आप इसको लेवल परफेक्ट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको कोई वेरिएशन नहीं होगा इलेक्ट्रोलाइट 2 घंटे के बाद, इसीलिए 2 घंटे सेटिंग पीरियड है। एक बार आप 2 घंटे के बाद आप इलेक्ट्रोलाइट लेवल डाल दीजिए, जिसमें आपको कम लग रहा है उसमें आप डाल दीजिए, इसके बाद आप हर एक सेल में आप इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर दीजिए, अगर किसी में भी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको कम हो रहा है या जो भी आपको ज़्यादा हो रहा है, तो इसको आप एडजस्ट कर दीजिए वाटर मिला के, या नहीं है तो इसका सॉल्यूशन मिला के इसको एडजस्ट कर दीजिए। इसके बाद आप इसका बैटरी का सारे आप एक बार चेक कर दीजिए, फाइनल एडजस्टमेंट, जो भी आपको बैटरी का इसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो भी आप इसको, अगर आप सब ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल सब में ओके है, जिसमें कम है उसमें डाल दिया, इसके बाद सब में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ओके है, तब इसको आपको बैटरी है सर्विस में लेने के लिए रेडी है बैटरी बैंक, इसको आप सर्विस में डाल सकते हैं। और दूसरा है फ्रेंड, सबसे मेन थिंग है, एक बार आपको कमीशनिंग हो गया, ठीक है, आप कमीशनिंग के टाइम पे इसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल देख लिया और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लिया, ओके है, इसके बाद आप कभी भी बैटरी में आपको लेवल कम होते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें आप कभी भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालना है, ओनली आपको डीएम या नहीं तो डिस्टिल्ड वाटर ही डालना है। एक बार कमीशनिंग होने के बाद कभी भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको फील्ड एंड चार्जिंग कंडीशन में आप इसको, ये प्रोसीजर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर है, सेम हम लोग फील्ड एंड चार्जिंग कंडीशन में ही देख लेंगे, लेकिन हम लोग जिसमें आप कैपेसिटी भी आपको क्रॉस चेक करना है, आपको एक कोई भी कंडीशन में जो सेल आएगा उसमें आप देख सकते हैं, मैं लेकिन एक ही इसी केस में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको चेक करना है, ठीक है। सेम कंडीशन है जैसे पहले ही है, सब ये ऑलरेडी फील्ड है, इलेक्ट्रोलाइट फील्ड और चार्जिंग कंडीशन में आया, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको फील्ड एंड चार्जिंग कंडीशन में आया तो इसको डिस्चार्ज करना है, डीप डिस्चार्ज। ये डीप डिस्चार्ज 2 लेवल पे करना है, फर्स्ट डिस्चार्ज जो इसका 20% कैपेसिटी पे, आप इसको 1 वोल्ट तक, इसका एंड सेल वोल्टेज 1 वोल्ट आने तक आप डिस्चार्ज कर दीजिए, इसके बाद 10% पे आप 0.6 वोल्ट तक आप कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप डिस्चार्ज हो गया तो गर्म है बैटरी, आप 12 घंटे रेस्ट दे दीजिए बैटरी को, ठीक है। 12 घंटे रेस्ट होने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, इसका 200% कैपेसिटी पे इसको चार्ज कर दीजिए, ठीक है। 200% तक इसको चार्ज कर दीजिए, चार्ज करने के बाद आप 2 घंटे आप रेस्ट दे दीजिए बैटरी को, इसके बाद बैटरी को आप इसका डिस्चार्ज कर दीजिए, और डिस्चार्ज करके देख लीजिए उसमें आपको इसका जो एच कैपेसिटी जो है वो आपको आ रहे नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे हैं तो दोबारा ये स्टेप्स रिपीट कर दीजिए,
दोबारा इसको 200% डीएच करके बैटरी, और इसको यही प्रोसीजर में आप इसको डिस्चार्ज कर दीजिए, डीप डिस्चार्ज। डीप डिस्चार्ज करके इसको दोबारा इसका चार्ज करके 200% पे, और इसको दोबारा बैटरी बैकअप देख लीजिए। जब तक आपका सीफे रेटिंग में इसका 20% कैपेसिटी पे आपको, मतलब 20% करंट डिस्चार्ज करंट पे आपको 5 घंटे जब तक इसका बैटरी बैकअप नहीं होगा, तब तक आप इसका इस प्रोसीजर को आप रिपीट कर दीजिए, ठीक है, जब तक आपका एज कैपेसिटी मीट नहीं होगा, ठीक है। बाकी सेम है, एक बार आपका एज कैपेसिटी फुलफिल हो गया तो इसके बाद आप 2 घंटे रेस्ट दे के चार्जिंग में, इसमें आपको 2 घंटे रेस्ट दे दीजिए। इसके बाद जो भी इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आपको कम है आप फिल कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप किसी सब में आप एक बार स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर दीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो कर दीजिए। एक बार इलेक्ट्रोलाइट लेवल सब में चेक कर दिया और स्पेसिफिक ग्रेविटी सब में आप अगर आपको ओके है तो बैटरी को आप सर्विस में दे सकते हैं। जैसे पहले प्रिकॉशनरी फ्रेंड्स, एक बार बैटरी को सर्विस में दे दिया तो आप कभी भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालना है, बाद में लेवल कम हुआ है तो ओनली डिस्टिल्ड वाटर ही नहीं है तो डीएम वाटर ही आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपको फील्ड एंड चार्ज्ड कंडीशन में ही है, लेकिन आपको बैटरी बैकअप या परफॉर्मेंस भी आप साथ में ये कमीशनिंग में आपको चेक करना है तो ये एक एडिशनल स्टेप है, ठीक है। आपको इसका कमीशनिंग में ही इसका एज कैपेसिटी या इसका परफॉर्मेंस या नहीं से नहीं है तो इसका बैटरी बैकअप आप चेक कर रहे हैं। जब तक बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा तब तक आप कर दीजिए। अगर आपको टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है फ्रेंड्स, तब आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो कर दीजिए, एक ही स्टेप पे। कोई भी कंडीशन में आप चल आएगा, ये एक स्टेप एडिशनल है। आप चार्ज डिस्चार्ज साइकिल इसी को ही आप रिपीट कर दीजिए जब तक आपका परफॉर्मेंस आपको ठीक नहीं आएगा तब तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है हम लोग फील्ड और डिस्चार्ज कंडीशन में आया बैटरी, ठीक है। फील्ड और डिस्चार्ज कंडीशन में आया तो ऑलरेडी डिस्चार्ज कंडीशन में आया तो आपको सबसे पहले इसको 200% कैपेसिटी तक इसको चार्ज करना है, ठीक है। जैसे हम लोग पहले बताया था 10 आवर से इसका सीफे का बैटरी है तो 20% 100 AH का बैटरी को 20% 20 एम्पियर पे आपको 10 घंटे तक इसको चार्ज कर दीजिए। चार्ज करने के बाद इसको आप 2 घंटे आप रेस्ट दे दीजिए, ठीक है। 2 घंटे रेस्ट दे दिया, इसके बाद आपको इसको डीप डिस्चार्ज करना है। डीप डिस्चार्ज क्या होता है, 2 स्टेप में। फर्स्ट 20% पे आप इसको 1 वोल्ट सेल वोल्टेज 1 वोल्ट आने तक 20% पे आप डिस्चार्ज कर दीजिए। इसके बाद आप 10% पे आपको 0.6 वोल्ट पर सेल वोल्टेज आने तक आप डिस्चार्ज कर दीजिए, ठीक है। एक बार डिस्चार्ज डीप डिस्चार्ज हो गया तो आपको गर्म है सो आपको 12 घंटे आप इसको रेस्ट देना पड़ेगा बैटरी बैंक को। 12 घंटे रेस्ट देने के बाद इसके बाद बैटरी को आपको 200% कैपेसिटी पे दोबारा इसको चार्ज कर दीजिए, ठीक है। 200% कैपेसिटी पे दोबारा चार्ज कर दिया, इसके बाद अगर आप इसको परफॉर्मेंस को चेक करना है फिर आप 2 घंटे रेस्ट दे के आपको दोबारा ये चार्ज डिस्चार्ज साइकिल आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। जब तक इसका परफॉर्मेंस या बैटरी बैकअप आपको सेटिस्फाइड होगा तब तक आप इसको रिपीट कर दीजिए। अदरवाइज आपको मैन्युफैक्चरर आपको सजेस्ट करते हैं इसको एक बार 200% पे यहाँ आप चार्ज कर दिया, इसके बाद आप 2 घंटे वेट कर दीजिए। 2 घंटे के बाद सब बैटरी बैंक में आपको इलेक्ट्रोलाइट का लेवल देख लीजिए, जिसमें आपको कम है उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट आप फिल कर दीजिए 2 घंटे के बाद। इसके बाद आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको एडजस्ट करना है किसी भी सेल पे, आप सब में स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लीजिए और किसी में भी एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर दीजिए। एक बार सब में इलेक्ट्रोलाइट लेवल आपको बराबर है और स्पेसिफिक ग्रेविटी सही है तो आप इसको सर्विस में ले सकते हैं। जैसा लास्ट कंडीशन में हमेशा बोल रहा हूँ, एक बार इसको सर्विस में ले लिया कमीशन हो गया तब इसके बाद कभी भी इलेक्ट्रोलाइट लेवल आपको कम हो गया कभी भी आप इलेक्ट्रोलाइट डालना नहीं है, ओनली डीएम वाटर या नहीं तो डिस्टिल्ड वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर या डिस्टिल्ड वाटर ही आपको टॉप अप करना है इसका लेवल को आपको फिल करने के लिए, लेवल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल मेंटेन करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको फील्ड एंड डिस्चार्ज कंडीशन पे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट कंडीशन है हमारा बैटरी जब आपको ड्राई एंड डिस्चार्ज कंडीशन पे, मतलब इस बैटरी में आपको इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं है और आपको ये चार्ज्ड कंडीशन में, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो ऑब्वियसली चार्ज्ड कंडीशन में है ही नहीं है, सो ड्राई एंड डिस्चार्ज्ड कंडीशन में अगर बैटरी आया तब आपको जैसे इसका लास्ट वीडियो में, पहले वीडियो में हम लोग बताया था
सबसे पहले इसको इलेक्ट्रोलाइट को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, या नहीं तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली आप लिक्विड फॉर्म में वहाँ कंपनी में ही यहाँ इसका जहाँ वही है मैं वहीं पे आप इलेक्ट्रोलाइट प्रिपेयर करके आपको कार्बॉयस में 20 लीटर्स का कार्बॉयस में आपको इलेक्ट्रोलाइट आएगा, उसी को आप डायरेक्ट इसको टॉपअप कर सकते हैं। या नहीं तो यहाँ आपको जैसा लास्ट टाइम बताया था इसका इलेक्ट्रोलाइट प्रिपरेशन है, आपको डिजिटल वाटर या डीएम वाटर दे देगा अलग कार्बॉयस में, आपको लिथियम हाइड्रोक्साइड का इसका क्रिस्टल्स दे देगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इसका स्लेट्स दे देगा, और इसको आप मिला के आप इसको आप इलेक्ट्रोलाइट बना दीजिए जैसे लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिए, उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट कैसे प्रिपेयर करना है वो हम लोग डिस्कस किया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट एक बार प्रिपेयर कर दिया तो इलेक्ट्रोलाइट आप भर दीजिए सब में कहाँ तक भरना है इसका जो मैक्सिमम लेवल जहाँ आपको दिख रहे हैं उससे 5 या 10 mm के नीचे तक आपको इलेक्ट्रोलाइट सब में आपको भरना है, सब सारे के सारे सेल्स में, ठीक है। भर दिया तो इसके बाद आप इलेक्ट्रोलाइट एक बार फर्स्ट टाइम आपको भर दिया, इसके बाद इसमें आपको सोकिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइट सोक होने के लिए टर्मिनल में और सब में सोकिंग के लिए आपको 8 घंटे मिनिमम आपको छोड़ देना, या नहीं तो ओवर नाइट एक नाइट के लिए आप छोड़ दीजिए, या नहीं तो 8 घंटे सोकिंग पीरियड होते हैं फर्स्ट टाइम अगर आप बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो उसमें आपको सोक करने के लिए इसको सोकिंग के लिए आपको टर्मिनल में सब में आपको इलेक्ट्रोलाइट पूरा आपको सेटल होने के लिए आपको 8 घंटे इसका सोकिंग पीरियड देना ही देना है, ठीक है। एक बार 8 घंटे इसका सोकिंग पीरियड दे दिया, ठीक है, इसके बाद आप इसको बैटरी को चार्ज करना है 200% के पर फर्स्ट चार्जिंग है, हमेशा याद रख लीजिए फर्स्ट चार्जिंग 200% कैपेसिटी पे, इसको मतलब 20% कैपेसिटी पे 10 घंटे तक इसको चार्ज करना है 200% कैपेसिटी पे। अगर 200% कैपेसिटी पे चार्ज करने के बाद आप 2 घंटे इसको रेस्ट दे दीजिए, ठीक है, 2 घंटे रेस्ट दे देगा तो इसका इलेक्ट्रोलाइट सेटल हो जाएगा हर जगह, इसका हर सेल बैटरी में हर सेल में सेटल होगा। इसके बाद इसको डीप डिस्चार्ज करना है, डीप डिस्चार्ज आप याद रख दीजिए 2 स्टेप में, आपको 20% करंट पे आपको 1 वोल्ट एंड सेल वोल्टेज आने तक 20% पे करना है, इसके बाद 10% कैपेसिटी पे आपको 0.6 वोल्ट पर सेल आना आने तक, ठीक है, आपको डीप डिस्चार्ज करना है। एक बार डीप डिस्चार्ज कर दिया तो ये बैटरी बैंक आपको गर्म कंडीशन पे गर्म हो गया, इसको आप 12 घंटे या ओवरनाइट आप इसको छोड़ दीजिए कूल होने तक। एक बार कूल हो गया तो इसके बाद दोबारा इसको सर्विस में लेने से पहले आप 200% पे आप दोबारा इसको चार्ज कर दीजिए, ठीक है, मतलब 10 घंटे C5 रेटिंग का बैटरी है तो 10 घंटे तक 20% का चार्जिंग करंट में आप इसको 10 घंटे चार्जिंग करना है, ठीक है। इसके बाद आप इसको 2 घंटे होल्ड करके 2 घंटे रेस्ट दे के बैटरी को इसको आप डायरेक्टली सर्विस में भी ले सकते हैं, या नहीं है तो इसका परफॉर्मेंस देखना है तो इसको आप दोबारा रिपीट कर दीजिए, जब तक इसका बैटरी बैकअप नहीं आएगा तब तक इसको चार्ज डिस्चार्ज साइकिल इसको आप रिपीट कर दीजिए, ठीक है। तो कमीशनिंग में आपको डीप डिस्चार्ज तक आपको करके और फुल 100% 200% तक चार्ज करके इसको जब तक आपका बैटरी बैकअप पूरा नहीं आएगा तब तक आप इसको रिपीट कर दीजिए। लेकिन आप स्टार्टिंग बैटरी है तो ज़्यादा दिन आप स्टोर नहीं किया तो आपको फर्स्ट का बाद आपको तुरंत आपको मिल ही जाएगा 100% आपको मिल जाएगा इसका एएच कैपेसिटी, 5 घंटे आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये को चार्ज सर्विस में लेने से पहले आपको जो आप 200% का आप चार्जिंग किया इसके बाद आपको 2 घंटे के बाद आप सब इलेक्ट्रोलाइट में सब सब में आपको सबकी सब बैटरी में सबकी सब सेल में आप इलेक्ट्रोलाइट लेवल देख लीजिए, आप जिसमें आपको कम लग रहे उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए लेकिन मिनिमम 2 घंटे के बाद, ठीक है, क्योंकि सेटल होने के लिए आप टाइम दे दीजिए इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है। 2 घंटे के बाद सेटल होगा 200% का चार्जिंग के बाद, और 2 घंटे के बाद आप इसको इलेक्ट्रोलाइट आपको एडजस्टमेंट किसी में डालना है तो डाल दीजिए, और सब बैटरी बैंक में सब सेल में आप एक बार स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर दीजिए, और जिसमें आपको करेक्शन करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी का वो आप करेक्शन कर दीजिए। एक बार आपको इलेक्ट्रोलाइट लेवल सब में आप मेंटेन कर दिया और स्पेसिफिक ग्रेविटी करेक्शन कर दिया तो इसको सर्विस में ले सकते हैं आप, ठीक है, सर्विस में ले सकते हैं, रेडी फॉर सर्विस है इसको। इसके बाद आपको कभी भी आपको इसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम होता है तो आप हमेशा इलेक्ट्रोलाइट कभी नहीं डालना है, ओनली डीएम वाटर या डिस्टिल्ड वाटर ही डालना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये थंब रूल है, हमेशा आप यही करना है, ठीक है। सो ये फ्रेंड्स
आपका आज के हमारा वीडियो कमीशनिंग के बारे में, हमारे साथ आगे भी बनाता रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड।